रिंकू सिंह का नाम अब कीवर्ड बन गया है। 9 अप्रैल के बाद से ये नाम हर तरफ छाया हुआ है। खासकर सोशल मीडिया पर हर कोई रिंकू सिंह की तारीफ करते हुए थक नहीं रहा। अब तारीफ हो भी क्यों ना, एक ओवर में 5 छक्के हर दिन थोड़े ही ना लगते हैं। इसमें भी लगातार 5 छक्के मारकर मैच जिताने का कारनामा तो पहली बार ही हुआ है। हालांकि रिंकू सिंह के अलावा कुछ और क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल मैच के एक ओवर में 5 छक्के लगा चुके हैं। इस लिस्ट में यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं इनके अलावा और कौन क्रिकेटर हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं। इस सिलसिले की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने 17 अप्रैल 2012 को की थी। इस दौरान गेल के निशाने पर आए थे पुणे वॉरियर्स के लेग स्पिनर राहुल शर्मा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए गेल ने राहुल शर्मा के एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए थे। उन्होंने मैच में 48 गेंद पर 81 रन की पारी खेली जिसके बदौलत बैंगलोर ने मैच 6 विकेट से जीत लिया था। वहीं इसके बाद ये कारनामा किया राजस्थान की तरफ से खेलते हुए ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ने। 27 सितंबर 2020 को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में तेवतिया ने 31 गेंद पर 53 रन की पारी खेली। इस दौरान राजस्थान की पारी के 18वें ओवर में उन्होंने शेल्डन कॉटरेल की 5 गेंद पर लगातार 5 छक्के लगाए जिसकी बदौलत राजस्थान ने आखिरी 15 गेंद में 51 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस लिस्ट में अगला नाम है चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का। 25 अप्रैल 2021 को आरसीबी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जडेजा ने 28 गेंद पर 62 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान चेन्नई की पारी के आखिरी ओवर में जडेजा ने हर्षल पटेल को 5 छक्के मारे। साथ ही जडेजा ने इस मैच में 5 विकेट भी लिए जिसकी बदौलत चेन्नई ने यह मैच 69 रन से जीत लिया। अब बात करें रिंकू सिंह की जिनका नाम हर तरफ है। उनका एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि जिस बैट से उन्होंने 5 छक्के जड़े वो उनका था ही नहीं, वो बल्ला उन्होंने दूसरे खिलाड़ी से मांगा था। आज तक से जुड़े नितिन श्रीवास्तव को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिंकू ने बताया कि बल्ला दरअसल केकेआर के कप्तान नीतीश राणा का था। उन्हें नीतीश से बल्ला इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि उनका बैट टूट गया था। रिंकू ने बताया, पिछले साल भी मैंने नीतीश भैया के बैट से खेला था, उनके एसएस के बैट काफ़ी अच्छे होते हैं, मेरा बैट टूट गया था इसलिए मैंने नीतीश भैया का बैट मांग लिया था। आखिरी ओवर के उन ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए रिंकू ने कहा, जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे रन्स के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि कितने रन चाहिए, मैं थोड़ा नर्वस था, फिर छक्के लगते चले गए और 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे तो मुझे लगा कि मैच में अब कुछ हो सकता है, फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने मैच फिनिश कर दिया। अब रिंकू की पारी पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी काम की लगी हो तो आप मेरे साथी रविराज को शुक्रिया कह सकते हैं क्योंकि खबर उन्होंने लिखी। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।